पलकी ऑफिस में? ये यहां क्या कर रही है? ब्रो, यहां क्या कर रहा है? ये देख, बुलजाए गेम, डार्ट गेम, चल खेलते, तेरा माइंड ना एकदम डाइवर्ट हो जाएगा और तू एकदम फील करेगा सेफ एंड कंपोज। चल। नो मैटर व्हाट आई डू सैंडी, मेरा दिमाग इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं पा रहा। आई एम नॉट लाइकिंग इट। बार बार एक ही सवाल, आखिर मेरे डैड ने मुझे छोड़ के उसको अपनी कंपनी का सीईओ कैसे चूज किया ब्रो? मैं उनका बेटा हूं, गॉड डैम इट। पता है कभी कभी लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लाइक इट वॉज ऑल जस्ट अ बैड ड्रीम। पता है एज अ सीईओ इसकी फर्स्ट मीटिंग है आज, तुझे पता है वो भी जुनेजास के साथ। अब ये राजवीर डिसाइड करेगा कि लूथरा इंडस्ट्रीज इस टेंडर के साथ मूव ऑन करेगी या करेगी भी या नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट? ही इज गोना मेक द शॉट्स फॉर लूथरा इंडस्ट्रीज। आई कांट बिलीव इट सैंडी। सुन, चिल मान, एक काम करते, चल माइंड डाइवर्ट करते, आजा छोड़े ना, लेट्स गो, आजा। यस, यहाँ? हाँ मैं यहाँ। वो राखी आंटी से पता चला कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तुम ऐसे ही ऑफिस आ गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेके ऑफिस ही आ जाती हूँ। पलकी, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, तुम मेरे लिए लंच लेकर आई हो। लेकिन सच बताओ तो मुझे ना भूख ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है? अरे ये हो सकता है पलकी, वो जब कभी मैं काम में बिजी होता हूँ, थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा स्ट्रेस में होता हूँ ना, तो मुझे भूख नहीं लगती। ठीक है तो मैं खिला दूं? बल्कि वो मैं बल्कि मजाक कर रही थी, जस्ट जोकिंग। ठीक है, वो मुझे ना एक काम पे जाना है तो मैं फिर निकलती हूँ। अभी अभी आई और अभी अभी जा रही हो? हाँ अभी अभी आई थी और अभी अभी जा रही हूँ तुम्हें बिना खिलाए। बल्कि सच में भूख नहीं है, भूख होती तो खा लेता, लेकिन जब भी भूख लगेगी ना मैं पक्का खा लूंगा। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय। मैं भी कैसा हूं, बल्कि इतने दूर से मेरे लिए लंच लेकर आई है और मैंने एकदम से कह दिया मुझे भूख नहीं है। अरे उसे बुरा लगा होगा। हाँ बोलो। वो पलकी, मैं कह रहा था कि मुझे ना अचानक से बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है। तो अब क्या करें? तुम वापस आ जाओ, हम साथ में बैठ के लंच कर लेते हैं। वो मैंने तुम्हें भी कहा था ना कि मुझे कुछ काम है, तो एक पेशेंट का अपॉइंटमेंट है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। But we can do one thing. हम रात को साथ में एक साथ डिनर कर सकते हैं। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा बल्कि थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? ये प्रॉमिस करने के लिए? अरे नहीं नहीं, वो खाना लाने के लिए, तुम मेरे लिए टिफिन लेकर आई इसलिए थैंक यू। राजवीर, मैं टिफिन वाली थोड़ी हूँ, और उन्हें भी इतनी बार थैंक यू नहीं कहते। और वहां तो मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी और मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। तुम यहाँ वापस? हाँ वो पता नहीं, मैं जा रही थी बट मुझे अचानक भूख लग गई तो इसीलिए सोचा कि लंच तो यहाँ ही था तो एक साथ ही कर लेते लंच, इसीलिए आ गई। बल्कि तुम मुझे छेड़ रही थी ना? हाँ, तुम्हें छेड़ने में ना मुझे बहुत मजा आता है। बल्कि तुम सच में मुझे टीज कर रही थी? यस मिस्टर टीज्ड।
देख रहा है, पहले मैं एक डार्ट गेम नहीं आता था अपनी लाइफ में, एक डार्ट गेम, और अब एक निशाना तक नहीं लग रहा है मेरा सैंडी। What the hell is going on? मैं अपने दिमाग से वो सिचुएशन निकाल ही नहीं पा रहा हूं। I can't believe it. आखिर डैड ने उसका कैसा वेलकम किया? The great Rajveer Arora. Welcome to your new office as the CEO of Luthra Industries. I'm so done with this, Sandy. I'm so bloody done with this. मेरे दिमाग से ना ये सिचुएशन जा ही नहीं पा रहा। Bro, पहले तो तू काम डाउन हो जा। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तू जो सोच रहा है तुझे वही दिख रहा है। पहले ना तू यहाँ अपने दिमाग से ना सब निकाल दे। कैसे निकालूं यार सैंडी, कैसे निकालूं? तू बता, अगर निकालने आता तो निकाल देता, अगर आता ना तो सबसे पहले पता है क्या निकालता? वो मेमोरी जिस दिन राजवीर मेरी लाइफ में सबसे पहले आया था, उस दिन को अपने दिमाग से निकालता। कितना सही था सब कुछ, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। मेरी लाइफ, मेरे डैड, मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, हर चीज सही थी। अरे मैं तो कहता हूँ वो आया ही क्यों यार, क्यों आया? उसके आने के बाद ही तो सब कुछ खराब हुआ है। काम, फैमिली, पर्सनल लाइफ सब कुछ बर्बाद हो गई है। जब मैं वो सब कुछ हार गया सैंडी, तो ये गेम क्या चीज है? ये तो हारना ही है ना ब्रो। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। ऐसा ही है सैंडी, ऐसा ही है। तुझे पता है उस राजवीर की वजह से मैंने अपने डैड का प्यार खो दिया, उसकी वजह से मेरे मॉम ने मेरे डैड को खो दिया। तुझे पता है सैंडी, मेरी मॉम ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है। क्या? मेरी मॉम ने। इतने परेशान है हम, आवर लाइफ हैज बिकम हॉरिबल डूड। ऐसा लगता है मेरी मॉम ने और मैंने ना सब कुछ खो दिया है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट वन राजवीर। एक्चुअली नॉट, उसकी एक प्लस वन भी है, उसकी मासी। असली मजे तो उन दोनों के, राजवीर और उसकी मासी के। असली मायनों में वो हमारी फैमिली के कुछ भी नहीं लगते, ना घर पे, ना फैमिली में, ना बिजनेस में, ना कहीं भी। और आज देख, घर पे भी बैठे हैं, ऑफिस में भी राज कर रहे हैं, हर जगह से उनके ही मजे चल रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ चोर है राजवीर, चोर। मेरे डैड, मेरी पोजिशन, मेरे राइट, मेरा सब कुछ चुरा लिया उसने। ब्रो काम डाउन यार प्लीज। क्या काम डाउन यार सैंडी, काम डाउन ही तो नहीं कर पा रहा हूँ। घर पे मन नहीं लग रहा तो ऑफिस आया, ऑफिस तो आना भी नहीं था, मॉम के कहने पे आया था। मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा, मुझे पता भी नहीं मैं क्या करूं। आई नीड टू गो ब्रो, आई नीड टू गो, मुझसे नहीं हो पाएगा। शौर्य। यस मॉम। कैसा चल रहा है? आप क्या मुझसे बार बार पूछती रहती है कैसा चल रहा है, मर जाने का मन कर रहा है मेरा। आई एम फीलिंग सो सफोकेटेड ओवर हियर। अपने ऑफिस में ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। आई डोंट लाइक इट। शौर्य प्लीज प्लीज काम डाउन। व्हाट काम डाउन मॉम? मेरे अंदर की एक एक सफोकेटेड ब्रेथ राजवीर को कर्स कर रही है इस वक्त, कि उसकी एक एक हंसी ना रोने में बदल जाए। आई वॉन्ट टू सी ब्लड टीयर्स इन हिज आईज मॉम। शौर्य प्लीज फॉर नाउ जस्ट काम डाउन। हाँ बहुत शांत हो जाओ मॉम। अगर आपकी जगह कोई और मुझे ये बोलता ना, मैं उसके ऊपर चिल्ला देता। इतनी बार तो बोल दिया आप लोगों ने मुझे काम डाउन होने के लिए। I'm so fed up of this. मुझे तो ऑफिस आना भी नहीं था, आपके बोलने पे आया हूं। और अब ये सर्कस देखने के बाद मुझे यहां एक सेकंड और भी नहीं रुकना है। मुझे घर आना है। मैं घर आ रहा हूं। या सॉरी लिसन हेलो ब्रो। क्या है सैंडी, तू क्या मेरी दुम है? जिधर जा रहा हूं मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? प्लीज मुझे अकेला छोड़। यार ब्रो I know you're hurt. मुझे पता है तुझे बुरा लगा है, लेकिन but stop this stuff man, please. Oh no. क्या हुआ? खाने में नमक ज़्यादा हो गया था? नहीं 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 नहीं, मेरे दिमाग से इतनी बड़ी चीज कैसे निकल सकती है? क्या? करण सर, उनको नहीं बुलाया, अगर वो यहाँ आते तो वो भी कुछ खा लेते, पूछना ही भूल गया। राजवीर तुम्हें क्या लगता है मैं करण सर के पास नहीं गई थी? उनसे नहीं पूछा था? मैं करण सर के पास गई थी और करण सर को भी मैं लंच देख के आई। उन्होंने तो कहा कि तुम्हारी ये न्यू केबिन यहाँ है। ओ। कैसे राजवीर, करण सर कितने अच्छे हैं ना? हाँ बहुत अच्छे, मगर समझ थोड़ी देर से।